हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीजी स्टैट और एमए स्टैट के क्वेश्चन पेपर को। कोर्स टाइटल है आपका इकोनोमेट्रिक्स। तो अगर आप स्टैटिक्स के स्टूडेंट हैं यूपीआरटीओ से, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो गाइज, यहाँ पर आपके तीन सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपको 3 आंसर करने होते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट होते हैं, जिनमें से आपको 1 करना होता है। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन ए की बात करें तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपके एग्जाम पेपर के, वो 70 होते हैं। नाउ इसमें आपको चॉइसेस दी जाती है क्वेश्चंस की, यानी कि सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको 3 आंसर करने हैं। और गाइज, आपको बताऊं तो लिमिट दी गई है 500 टू 800 वर्ड्स की, बट मेरी मानिए तो आप 4 to 5 पेजेस का आंसर ज़रूर लिखिए, ताकि आपको गुड स्कोर मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी की, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन का आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। यहाँ पर वर्ड लिमिट 150 टू 300 वर्ड्स दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल शॉर्ट में लिख दें, आप इसको 2 to 3 पेजेस का आंसर डेफिनेटली कीजिए, आपको गुड स्कोर मिलेगा। नेक्स्ट, सेक्शन सी की बात करती हूँ, तो इसमें भी आपको चॉइसेस मिलती है, और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, जो कि 6 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। अगर यहाँ पर आंसर लिखने की बात करूँ तो 1 to 2 पेजेस का आप लिख सकते हैं, और वो आपको अच्छा स्कोर देने के लिए हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।